कन्वेनर प्रोफेसर नीरा अग्निमित्रा जी, दिल्ली विश्वविद्यालय की रेक्टर आदरणीय प्रोफेसर रजनी आबी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित दिल्ली विश्वविद्यालय के समस्त पूर्व वाइस चांसलर, दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए पूर्व वर्तमान समस्त प्राध्यापक प्राध्यापिका तथा शिक्षा परिवार की समस्त सदस्य भाई और बहनों, दिल्ली के छात्र संघ के, विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अनेक पूर्व पदाधिकारी मित्रगण, वर्तमान के विद्यार्थी भाई और बहनों, पत्रकार साथीगण, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए निश्चित रूप में यूनिवर्सिटी ने लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की होगी। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए विश्व की तमाम स्थान से जुड़े हुए भाई और बहनों, मैं सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं, देश की एक शिक्षा मंदिर की सफल शतवार्षिक पालन करने के लिए सभी को शुभेच्छा देता हूं, सभी को अनेक अनेक अभिनंदन। मित्रों, हमारे देश में चुनिंदा इंस्टीट्यूशन है शिक्षा से जिनकी आयु 100 से ज़्यादा है, चुनिंदा। मैं 2 दिन पहले बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के परिसर में 2 दिन बिताया। स्वामी विवेकानंद जी की कल्पना में 121 साल पे 12 साल पहले जामशेद जी टाटा जी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को बनवाया। तब हम कुछ मित्रों से पूछ रहे थे कि अभी 100 साल आयु होने वाला विश्वविद्यालय हमारे देश में कौन है, जिस सभ्यता में अनेक पुरातन विश्वविद्यालय की इतिहास है, जिसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय शोध विद्यार्थी हुएंसा जैसे व्यक्तियों ने नालंदा के बारे में, तक्षशिला के बारे में उल्लेख किया है। आज हम एक ऐसे ही परंपरा के एक लिविंग यूनिवर्सिटी में, दिल्ली को बड़ा सोच समझ के कह रहा हूं, एक जीवंत अनुष्ठान लिविंग यूनिवर्सिटी आज हमारे सामने सफलता के साथ 100 साल पालन कर रहा है। मैं फिर आप सभी को बधाई देता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय एक इंस्टीट्यूशन है। दिल्ली विश्वविद्यालय कंग्लोमरेशन ऑफ 90 कॉलेज हैं, कुछ लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जिसकी छाप देश के अनेक स्थान पे अभी विद्यमान है। क्या उतना ही दिल्ली विश्वविद्यालय है? मेरे दृष्टि से दिल्ली विश्वविद्यालय एक सेंटिमेंट है, एक इमोशन है, जो देश की पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों से आगे बढ़ रहा है। यही हमारी देश की विशेषता है। आज मैं इस अवसर पे इस विश्वविद्यालय की जर्नी में जितने अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, रिसर्च फेलो, पीएचडी डिग्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति तथा अनेक ऐसे ही पात्र होंगे जिन्होंने इन डिग्रियों को तो प्राप्त नहीं किया, लेकिन जो कैंटीन में चाय देते होंगे, जो छोले भटूरे यहाँ देते होंगे, जो चाउमीन आपको खिलाए होंगे, कभी कभी कल्पना नहीं किए होंगे कि मैं इस विश्वविद्यालय में मेरे पीढ़ी का भी कोई आएगा। लेकिन उनकी प्रतिभा में आज मेरे श्रद्धा, मेरे नमन समर्पित करता हूं। उन्हीं की भी योगदान रहा है इस प्रवास के लिए। मित्रों, देखिए, सुखद संजोग है, हम विश्वविद्यालय की शतवार्षिक शुरू कर रहे हैं और इस साल भर हम देश में शिक्षा विभाग की हिस्सा के हिसाब से, एक भागीदारी के हिसाब से आपको कह रहा हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय सिर्फ अपना ही इंस्टीट्यूशन की सेलिब्रेशन नहीं करेगा। निश्चित रूप में जो एक भगवान ने, ईश्वर ने बीच बीच में मौका देता है, किसी किसी समय को हम स्वर्णिम समय कहते हैं, स्वर्णिम काल इसीलिए कहते हैं। संयोग देखिए, हम सेंटिनरी मनाएंगे, देश अमृत काल में ही सेंटिनरी मनाएगा और आगे 25 साल की जो प्लानिंग जिसके बारे में वाइस चांसलर महोदय ने सबके सामने चुनौती के नाते रखा, वे जब 25 साल पूरा होगा, देश की आज़ादी का 100 साल हो रहा होगा और विश्वविद्यालय की 125 साल हो रहा होगा, तब क्या होगा?